अगर आपके एंटी एजिंग रूटीन में रेटिनॉल है, देन योर एंटी एजिंग रूटीन इज एट दिस लेवल. अब इस रूटीन में अगर आप ऐड करते हैं पेप्टाइड्स, यू टेक योर रूटीन फ्रॉम हियर राइट हियर. मतलब आप अपने रूटीन को कर देते हैं सुपर चार्ज, यू लिटरली पुट इट ऑन अ रॉकेट एंड आपका स्किन होता है ट्रूली ट्रांसफॉर्म. लेकिन मार्केट में है बहुत सारे पेप्टाइड्स जो करते हैं अलग अलग चीजें. पेप्टाइड इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म. इट्स लाइक सेइंग फैट और कार्बोहाइड्रेट. रियली रियली ब्रॉड. इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं जो अलग अलग चीजें करते हैं. सो टुडेज वीडियो इज द बैटल ऑफ पेप्टाइड्स. ये मैंने डेडिकेट किया है टू ऑल अबाउट पेप्टाइड्स, ताकि आप समझ सकें कि कौन से हैं पेप्टाइड्स, क्या करते हैं ये, कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट योर स्किन नीड्स एंड व्हाई. हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड. मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट. टुडेज वीडियो लाइक आई सेड इज डेडिकेटेड टू पेप्टाइड्स एंड टू यू बीइंग एबल टू ट्रांसफॉर्म योर स्किन. वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल होगी शुरू में, बट स्पीड में मत देखना, धीरे धीरे देखना, पॉज करके देखना, समझ आ जाएगा. आई हैव ब्रोकन डाउन दिस वेरी कॉम्प्लेक्स स्किन केयर इंग्रीडियंट इन सच अ सिंपल वे दैट लिटरली इवन ए 5-year-old बच्चा कैन अंडरस्टैंड इट. वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मैं बनाती हूँ इसी तरह की डिटेल्ड साइंस लेड वीडियोस हफ्ते में 4 बार एंड स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन द इंटरनेट जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स. सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. चले, आई वॉज गोना टर्न ऑफ द कैमरा, टेक अ ब्रेक, बट लेट्स गो इन द फ्लो. सो लाइक आई सेड, द वीडियो इज गोना बी अ बिट टेक्निकल. नाउ इफ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल, अभी तक आपको पता है कि मैं पेप्टाइड्स बहुत यूज करती हूँ मेरे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में. प्रीटी मच 4 to 5 times अ वीक देर आर पेप्टाइड्स, मेट्रिक्सिल अर्गलाइन. सुबह के रूटीन में पिछले 2-3 महीनों से कॉपर पेप्टाइड चल रहा है. नाउ जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग अ पेप्टाइड डजंट मीन यू हैव टू यूज इट. ऑल्सो ये पेप्टाइड्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड, एंड आई टेल यू वाई. बिकॉज पेप्टाइड एक ऐसा बजवर्ड है स्किन केयर मार्केटिंग में कि लोग दो बूंद लिटरली पेप्टाइड डाल देते हैं किसी क्रीम और सेरम में, या कोई एक टाइप का पेप्टाइड डाल देते हैं, उसके अगेंस्ट इतनी मैसिव मार्केटिंग होती है. एंड सम ऑफ द सेरम्स दैट आई हैव सीन आर सिवियरली ओवरप्राइज्ड. मतलब दे आर वेरी वेरी ओवरप्राइज्ड. सो आई डोंट वांट यू टू स्पेंड योर मनी बाइंग ओवरप्राइज्ड स्टफ. आई वांट यू टू बाय व्हाट इज राइट फॉर यू. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड होता है एक टाइप का प्रोटीन. प्रोटीन आपके बॉडी में नेचुरली भी पाया जाता है, हम खाने के थ्रू भी लेते हैं. सो प्रोटीन, पेप्टाइड इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. दीज आर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स. ये अलग अलग चेन्स हैं जो इस प्रोटीन को फॉर्म करती हैं. ये है इसका सबसे सिंपल टेक्निकल एक्सप्लेनेशन. अब पेप्टाइड्स होते हैं 4 type के या 4 categories के, और ये 4 categories 4 अलग अलग चीजें करती हैं. और मैं आपको ये सारे ही जो पेप्टाइड्स हैं, कैटेगरीज हैं, इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी. पेप्टाइड नंबर 1, एंजाइम इनहिबिटर पेप्टाइड. अब इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर कम्स फ्रॉम द वर्ड इनहिबिट, यानी किसी चीज को रोकना या उसे कम करना. सो ये जो एंजाइम इनहिबिटर पेप्टाइड्स हैं, ये बेसिकली आपके स्किन पे जो एग्जिस्टिंग लॉस ऑफ कोलेजन होता है, एग्जिस्टिंग डैमेज होता है, स्किन जो लूज हो जाती है, उस सबको स्लो डाउन करता है. कि रिपेयर मतलब स्लो, प्रॉब्लम तो होनी है बिकॉज दैट्स नेचुरल एज, सन डैमेज, कितना भी सनस्क्रीन लगा लो, जो भी कर लो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हेल्थ फैक्टर्स, एज फैक्टर्स. सो आपका जो भी नेचुरल लॉस ऑफ कोलेजन, नेचुरल लॉस होना है, उसे ये स्लो डाउन करते हैं. दीज एंजाइम्स इनहिबिट द लॉस दैट इज नेचुरली गोइंग टू हैपन इन योर बॉडी. दैट इज नंबर 1. दूसरा एंजाइम मेरा फेवरेट है. इट इज न्यूरो ट्रांसमिटर इनहिबिटर पेप्टाइड्स. न्यूरो ट्रांसमिटर, न्यूरो कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूरो विच इज सिग्नल्स योर ब्रेन. अब ये जो टाइप का पेप्टाइड है, ये आपके ब्रेन या आपके स्किन के सेल्स को सिग्नल करता है टू रिलैक्स एंड कम डाउन. सो बेसिकली ये पाया जाता है इन पेप्टाइड्स कॉमनली नोन एज बोटॉक्स या आर्गलाइन, जो है हेक्सापेप्टाइड 8. ये बेसिकली जब अपने स्किन पे लगाते हैं, दिस सिग्नल्स योर ब्रेन सेल्स एंड योर मसल्स दैट इट इज टाइम टू रिलैक्स. And that is what this peptide does, the neurotransmitter inhibitor peptide. Peptide number 3, signal peptide. इसके नाम में ही इसका function है. यह आपके brain को signal करता है कि चलें repair का काम शुरू करते हैं. So पहला वाला repair को रोक रहा है, दूसरा वाला आपको slow down करने को कह रहा है, या it's telling you to relax. तीसरा वाला repairing का काम करता है, और चौथा वाला
कैरियोपेप्टाइड्स. कैरियोपेप्टाइड्स क्या करते हैं, वो भी इसके नाम में ही है. दे बेसिकली कैरी अ फ्यू प्रॉपर्टीज टू योर स्किन जो स्किन के वूंड हीलिंग और रिपेयर फंक्शन को सुपरचार्ज करते हैं. चार टाइप के पेप्टाइड्स. एक कहता है स्लो डाउन द प्रोसेस, स्लो डाउन द डैमेज दैट इज हैपनिंग, रिलैक्स द मसल्स, रिपेयर एंड सॉरी नॉट रिपेयर, रिपेयर इज द फोर्थ वन. द फोर्थ वन इज वूंड हीलिंग एंड रिपेयर, एंड the third one is also repair, but it's more of like a maintenance repair. So these are your four type of peptides. अब यही चार टाइप के पेप्टाइड्स और फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एज मोनोपेप्टाइड यानी एक पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड यानी दो पेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड यानी तीन पेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड फोर पेप्टाइड्स, पेंटापेप्टाइड फाइव पेप्टाइड एंड हेक्सापेप्टाइड व्हिच हैज सिक्स अमीनो एसिड्स. तो जितने ज्यादा एसिड्स, अमीनो एसिड्स के चेन होते हैं एक पेप्टाइड के अंदर, उसी तरह से साइंटिफिकली एक बोरिंग सा नाम इसे दे दिया गया है. दिस पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था. अब आ जाते हैं पेप्टाइड नंबर वन पे, एंजाइम इनहिबिटर्स. ये क्या कर रहे हैं, ये आपका जो लॉस ऑफ वॉल्यूम, स्किन जो लूज हो रहा है, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं अगर आप इसे रोजाना लगाते हैं. अब इसका जो इसके क्या फॉर्म्स हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल है पैलीमेटोल ट्राईपेप्टाइड 1, पैलीमेटोल ट्राईपेप्टाइड 7. और जब ये दो पेप्टाइड्स को कंबाइन किया जाता है जो एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला है, इसे कॉमनली हम कहते हैं मेट्रिक्सल 3000. एंड इफ यू फॉलो दिस चैनल मेट्रिक्सल 3000 इन एच ए फ्रॉम द ऑर्डिनरी यू हैव सीन 20,000 टाइम्स. मेट्रिक्सल एक नया पेप्टाइड नहीं है, दो पेप्टाइड्स के कॉम्बिनेशन का पेटेंटेड नाम है मेट्रिक्सल 3000. आई बिलीव दिस वॉज डिवेलप बाय अ फ्रेंच लैब और अ फ्रेंच कंपनी. सो बेसिकली ये दो इंडिविजुअल पेप्टाइड्स हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, बन जाता है मेट्रिक्सल. इनको अलग करके भी अगर आप यूज करोगे तो भी आपको मेट्रिक्सल के बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ये मैं क्यों बता रही हूँ, इट विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट पार्ट. सो एनीवेज, एंजाइम इनहिबिटर आपको समझ आ गया, इस इज बेसिकली स्लोइंग डाउन द नेचुरल एजिंग. एंड ये दो टाइप के मैंने आपको पेप्टाइड्स बताए हैं जो है एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टॉक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर्स, आर्गलाइन, बोटॉक्स, हेक्सापेप्टाइडेट. ये सारे ही सारे आर बेसिकली योर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर्स जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो रिलैक्स करते हैं आपके मसल्स को. नंबर थ्री इज योर सिग्नल पेप्टाइड व्हिच इज बेसिकली सिग्नलिंग योर स्किन सेल्स के चले कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. लेट इज वर्क ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, लेट इज वर्क ऑन द रिपेयर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. अब इसमें भी जो सिग्नल पेप्टाइड हैं, पैलीमोल पेंटापेप्टाइड इज वन वर्जन, एंड इसके अलावा यू हैव अदर वर्जन्स व्हिच इज कॉल्ड ट्राईपेप्टाइड, GHK, ग्लाइसिन, लाइसिन. ग्लाइसिन लाइसिन याद रखना बिकॉज आई एम गोना रेफरेंस इट बैक व्हेन आई एम टॉकिंग इन एग्जांपल्स. सो ये हैं कुछ सिग्नल पेप्टाइड्स के फॉर्म्स. एंड कैरियर पेप्टाइड्स जो काम करते हैं रिपेयर का, वो है कॉमनली फाउंड इन कॉपर पेप्टाइड सेरम, दैट ब्यूटिफुल ब्लू सेरम. नाउ ये आपको समझ आ गया, चार टाइप के पेप्टाइड्स हैं, चारों अलग अलग चीजें कर रहे हैं. अब आ जाते हैं सीधा ही सीधा प्रोडक्ट्स पे टू अंडरस्टैंड कि कौन से पेप्टाइड सेरम में क्या है एंड व्हाट इज इट दैट यू शुड बी यूजिंग. अब बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड सेरम्स, फिर बताएंगे किसको क्या यूज करना है. बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पेप्टाइड सेरम्स. आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय विद वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल पेप्टाइड सेरम्स जो इंडिया में तो मिलता ही है, बट यू डू गेट इट ग्लोबली बिकॉज आई एम सो प्राउड दैट मिनिमलिस्ट इज नाउ अ ग्लोबल ब्रांड. यू आर गेटिंग इट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यू आर गेटिंग इट इन द UAE में अमेजोन पे मिलता है और भी कुछ वेबसाइट्स पे मिलता है, बट इन जनरल सुपर प्राउड दैट इंडियन ब्रांड हैज मेड इट आउट ऑफ इंडिया and is fabulous quality. This is the minimalist multi-peptide serum. मुझे आज आपको देना है ingredients का breakdown because मैं use करती हूँ अपने routine में Matrixyl. आप सब बोलते हैं कि ordinary का Matrixyl नहीं मिल रहा Nykaa पे, and as an alternative I always tell you कि आप multi-peptide serum minimalist का use कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप ingredients को देखेंगे, and right now I need to read so bear with me. Aqua glycerine glycol उसको हटा दो. उसके बाद इसमें आता है पैलीमोल ट्राईपेप्टाइड 1 एंड पैलीमोल ट्राईपेप्टाइड 2. जब ये दो पेप्टाइड्स कंबाइन होते हैं क्या बनता है? मेट्रिक्सल. सो बेसिकली इसमें मेट्रिक्सल 7% कॉन्सेंट्रेशन में है बिकॉज ये दो पेप्टाइड्स इन्होंने इंडिविजुअली डाला है. अगर इन्होंने एक फ्रेंच लैब से मेट्रिक्सल का फॉर्मूला खरीदा होता, क्योंकि ये पेटेंटेड है, तो ये यहाँ पे फिर डाल सकते थे मेट्रिक्सल 3000. बट मेट्रिक्सल 3000 ये लीगली नहीं डाल सकते क्योंकि इन्होंने वो फॉर्मूला खरीदा नहीं है. बट दे हैव डन अ वेरी वेरी स्मार्ट थिंग इज दे हैव यूज्ड द टू पेप्टाइड्स इंडिविजुअली.
काम सेम कर रहे हैं बस नाम अलग है. सो दे यू हैव गॉट योर टू पेप्टाइड. सो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं एंड यू लाइक मैट्रिक्सिल नहीं मिल रहा, मैट्रिक्सिल मिल रहा है बिकॉज यू गेट इट इन द मल्टी पेप्टाइड सीरम. अब ये जो दोनों हैं आपके एंजाइम इनहिबिटर्स हैं. फिर इसमें है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF, ऑल्गी पेप्टाइड 1, ऑल्गियो, स्पेलिंग्स थोड़ी ऐसी हैं, प्रोनाउंसिएशंस जस्ट डोंट गिव मी हेट, ओके, ऑल्जियो पेप्टाइड 1, पेप्टाइड 2, पॉलीपेप्टाइड 1, पॉलीपेप्टाइड 9 एंड पॉलीपेप्टाइड 11. ये सारे के सारे हैं सिग्नलिंग पेप्टाइड्स. सो एंजाइम इनहिबिटर्स कह रहे हैं स्लो डाउन द डैमेज. सिग्नलिंग पेप्टाइड्स आर गिविंग यू मोर, आर बेसिकली टेलिंग योर स्किन सेल्स के चले रिपेयर का काम शुरू करते हैं. सो यू हैव गॉट योर सिग्नल पेप्टाइड इन दिस, यू हैव गॉट योर एंजाइम इनहिबिटर्स इन दिस व्हिच इज फैबुलस. इसके अलावा दिस हैज सोडियम हाइड्रोलोनेट ऑल्सो इन इट. एंड इसके अंदर इन एडिशन टू दिस आई एम नॉट सीइंग एनी कैरियर पेप्टाइड्स एंड आई एम नॉट सीइंग एनी न्यूरो ट्रांसमिटर्स, बट दैट्स ओके. Neurotransmitter is actually Argaline, जो इसमें नहीं है. I just need to double check. नहीं है इसमें. But you are getting two broad categories of peptides. एक जो slow down कर रहा है damage को, दूसरा जो damage को repair कर रहा है. So as a product for the price, this is 9/10. Because इस price पे इतने सारे peptides आपको मिल रहे हैं, it is fabulous. So अगर आप मेरे videos देखते हैं, you see me using Matrixil, नहीं मिल रहा, use this, it is fabulous. बट अगर इसके साथ आप न्यूरो ट्रांसमीटर को यूज करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू गेट द Argaline सॉल्यूशन सेपरेटली, जो मुझे पता है अभी नहीं मिल रहा है. आई डोंट नो इफ समवन्स ट्रैवलिंग, जस्ट टेल देम टू गेट यू लाइक 5 बॉटल्स ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स जस्ट नॉट अवेलेबल. सो बट इवन विद दीज टू पेप्टाइड्स और दीज टू कैटेगरी ऑफ पेप्टाइड्स यू आर इन अ वेरी वेरी गुड स्पेस. सो दैट इज माई peptide recommendation number 1, the multi-peptide by the minimalist. It is a 9/10 product. And if you see my videos, you would note ke maine abhi tak kisi ko 9/10 nahi diya hai. But this one truly deserves it for the ingredient, for the price, for everything else. Ab isi ke bhai ko dekhte hain, which is a little more expensive. It is the multi-peptide in HA, jo pehle ordinary ka buffet serum hota tha, usko rename kiya hai as the multi-peptide in HA. And this is a, obviously it's a little more expensive. Actually it's double the price. It's double the price of the minimalist. But isme aapko kya milta hai? Now isme bhi आपको पालीमोल ट्राइपेप्टाइड 1/7 मिलता है. सो बेसिकली मैट्रिक्सिल के जो क्वालिटीज हैं आपको इसमें भी मिलते हैं. पेंटापेप्टाइड 18, पैलोमिल ट्राइपेप्टाइड, वो भी आपको मिलता है. इन एडिशन टू दिस आपको मिलता है एसिटिल हेक्सापेप्टाइड 8. एसिटिल हेक्सापेप्टाइड 8 क्या है? इट इज योर Argaline सॉल्यूशन. जब आप प्योर Argaline सॉल्यूशन यूज करते हैं, जैसे मैं यूज करती हूँ, यू यूज इट इन 10% कॉन्सेंट्रेशन, विच इज अ गुड हाई कॉन्सेंट्रेशन. एंड उसी से आपको वो जो मैं हमेशा दिखाती हूँ ना वीडियो में कि लाइन थी, अब लाइन नहीं दिख रही, दैट इम्पैक्ट यू विल ओनली गेट वेन यू आर यूजिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Argaline. बट Argaline सेपरेटली ना लेके, दूसरे एंजाइम इनहिबिटर्स सेपरेटली ना लेके, ये आपको मिल रहा है. All in all, it is very good. In addition to this, इसमें है glycine, जो है एक type का signal peptide भी. So you're getting your signal peptide, which is you're getting more types of signal peptides, plus you're getting enzyme inhibitors, plus you're getting neuro inhibitors. Basically, 3 category of peptides in about 19 forms. So इसमें totally अगर सारे peptides के forms को गिने, there are 19 types of peptides, 1919, और ये 3 categories को cover करते हैं. Basically इसमें copper peptide को छोड़ के सब कुछ है, which is fabulous. So if you are a beginner and you are, or even if you are not a beginner, you can just use the multi-peptide from the ordinary or use the minimalist, Now multi-peptide from ordinary I feel is better, because you are getting more peptides in it, you're getting more category of peptides in it. The minimalist is also great. This also is a 9/10 product. I know it's a little expensive, but then you are getting more ingredients in it. So recommendation number three, and that is a copper peptide serum, जो आपके wound healing, आपके actual repair को supercharge करता है. Now I love the one from the ordinary, because of course you are getting 1% copper peptide, and 1% copper peptide is the
permissible concentration. So no brand is going to give you 5% or 10%. Aisa nahi hota. Copper peptide is 1% or less. Some brands will give you less than 1%. Uske baare mein bhi baat karenge. Lekin this is a 1% concentration of copper peptide. Plus isme wo sar argiline ko chhodke sare ke sare buffet wale peptides bhi hain. So this also works beautifully. These are three peptides that I absolutely, absolutely love. क्योंकि ये वाला ऑर्डिनरी का पेप्टाइड सेरम आउट ऑफ स्टॉक है नायका पे. अनदर ऑप्शन जो मेरे को मिला है इज द अमीनो कॉपर पेप्टाइड सेरम. आई हैव नॉट ट्राइड इट बट आई हैव बेसिकली सीन द इंग्रेडिएंट्स. द अमीनो कॉपर पेप्टाइड सेरम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर पेप्टाइड दैन दिस प्रोडक्ट बट उसकी प्राइस भी कम है एंड वो मिल रहा है. दिस इज बिन आउट ऑफ स्टॉक फॉर अ वाइल. अगर आपको ये मिल जाता है देन गेट दिस. नहीं मिल रहा है देन यू कैन गेट द अमीनो वन. Or you can get the one that I'm currently using, which is the Biosans Copper Peptide Serum. Isme bhi copper peptide ki concentration thodi si kam hai, but I kind of like it because this is more hydrating, more plumping, more whatever. So these are my copper peptide recommendations. So copper peptide mein mere paas teen recommendation hai. Ordinary, Amino, Biosans. These are the three recommendations. Then you've got your multi-peptide from the Ordinary. You've got your multi-peptide from Minimalist. और अगर तो आपको ऑप्शन मिल रहा है इफ यू आर गेटिंग द ऑप्शन देन यूज द मल्टीपेप्टाइड देन यूज माय रूटीन व्हिच इज मेट्रिक्सल एंड आर्गोलाइन सेपरेटली. मैं हाइब्रिड सेरम से ज्यादा इंडिविजुअल लेयरिंग को पसंद करती हूँ, प्रेफर करती हूँ बिकॉज उसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज कम कॉन्सेंट्रेशन में विद मोर इंग्रीडियंट्स यू आर गेटिंग दीज प्रोडक्ट्स एनी विच वेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट जो मैंने बहुत बहुत ऐसे with a lot of hopes I had bought this 700 dirham product, the BioEffect EGF serum, which basically has the same peptides that you actually get not here that you get here in the Minimalist one, the Olgeopeptide 1 and 2. Now this is also EGF, iska that is the technical name, epidermal growth factors. It is supposed to be a very very good peptide. Maine ise last year bahut time tak use kiya, I've not really seen much effect on my skin. Ise main definitely khatam zarur karungi, but this is an overpriced serum that I do not recommend. Iske alawa I've seen another very overpriced serum and I want to talk about it because ye comments mein aaya tha as a question. Lysine ka ceramide serum which has gold in it apparently. I read through the ingredients, I don't think much about it. You're getting one or two types of peptides, you're getting a few ceramides. For the kind of ingredient you're getting, it is very very overpriced. They are just desperately trying to look like a luxury brand and that is what it is. So I don't recommend that. The Ordinary, you are set. Ordinary nahi mil raha, get the Minimalist. And then you can literally just figure your entire life around it. Now let's talk about quickly about layering of your peptides. Kis product ke saath use karna hai, kis product ke saath use nahi karna hai. Simplified in the simplest way I humanly can. All peptides, whether it's multi-peptide, matrixyl, copper peptide, koi bhi peptide ho, इसे आप नहीं यूज करेंगे विद विटामिन सी, नहीं यूज करेंगे विद एनी ऑफ योर एक्टिव्स यानी AHA, BHA, लैक्टिक सैलिसिलिक एसिड, PHA यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड, किसी भी एसिड एक्सेप्ट हाइड्रोलिक एसिड, किसी भी एसिड के साथ आप अपने पेप्टाइड्स को यूज नहीं करेंगे चाहे वो कोई भी पेप्टाइड हो. ओके, दैट इज रूल नंबर वन. रूल नंबर टू, मेट्रिक्सल, आर्गनाइन, मल्टीपेप्टाइड सेरम, buffet serum, buffet multi-peptide, whatever serums that you are using, the multi-peptide serums, kisi bhi brand ka, you can use with your retinol, but you will not use it with your actives. So, ye ek simple exception hai, agar aap matrixyl use kar rahe ho, multi-peptide use kar rahe ho, argiline use kar rahe ho, is tarah ka koi bhi cheez use kar rahe ho, isse aap retinol ke saath laga sakte ho, bas. एक्टर्स के साथ नहीं, विटामिन्स के साथ के नहीं. और कॉपर पेप्टाइड के साथ तो लाइफ बहुत सिंपल है, इसे बिकॉज आप किसी और चीज़ के साथ नहीं लगा सकते हो, इसे आपको अकेले ही लगाना है. एंड एट बेस्ट अगर आपको इसे किसी चीज़ के साथ लेयर करना है, यू कैन लेयर इट विद हाइलुरोनिक एसिड और यू कैन लेयर इट विद नायसिनामाइड. अब मेरा जो रूटीन है, इफ यू गाइज हैवन सीन इट ऑलरेडी, इज एज फॉलोज. रात के रूटीन में मैं यूज करती हूँ आर्गोलाइन, मेट्रिक्सल,
ट्रेटिनॉइन जो है एक रेटिनॉइड और मेरी फेस क्रीम. ये मेरा रूटीन होता है फॉर 4 to 5 times a week. हफ्ते में एक आधी बारी, कभी मेरा मूड किया, इफ आई फील माई स्किन इज ड्राई आई यूज अ BHA और an AHA. रियली रियली डिपेंड्स, बट माई कोर रूटीन इज मेट्रिक्सिल, ऑर्गेनाइन एंड रेटिनॉइड. और क्योंकि मेरे को रेटिनॉइड यूज करना है हर रात को, मैं दिन में यूज करती हूँ कॉपर पेप्टाइड सेरम, सो आई यूज इट इन माई मॉर्निंग रूटीन. Which means कि मेरे मॉर्निंग रूटीन में अब विटामिन सी नहीं है. एंड एवर सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, जब से मैंने कॉपर पेप्टाइड को रेगुलरली यूज करना शुरू किया है मॉर्निंग रूटीन में, तब से मेरे मॉर्निंग रूटीन से विटामिन सी कम्प्लीटली हट गया है. नाउ दैट इज बिकॉज आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, आई हैव 1.5 line, आई हैव whatever, ये जो निजोबियल फोल्ड्स जो डिवेलप हो रहे हैं विच इज नेचुरल, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग. सो माई फोकस ऑन माई एंटी एजिंग रूटीन इज अ लिटिल मोर. आई एम नॉट फोकसिंग एज मच ऑन डलनेस, इस तरह का कोई मेरे को इशू नहीं है. एक्ने का इशू था जो ठीक हो गया है. सो बेसिकली मेरा सारा एफर्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स एन एंटी एजिंग रूटीन. सो मेरे रूटीन में पेप्टाइड सुबह भी हैं, रात को भी हैं, अलग अलग टाइप के पेप्टाइड्स हैं. नाउ दिस इज माई रिकमेंडेशन. आपकी एज एक स्किन टाइप नहीं होता, ओके. यू कुड बी 20 ईयर्स ओल्ड और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिंकल्स हों, और हो सकता है मे बी ऑफ 45, 50 or 55, एंड आई नो सम पीपल जिनको 60 साल में भी रिंकल्स कुछ खास नहीं होते, मतलब दे लुक लाइक मी बिकॉज यू नो दे हैव गुड जेनेटिक्स, दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. एंड सरप्राइजिंगली ऐसे लोग ज़्यादा स्किन केयर भी नहीं करते. केस इन पॉइंट माई मदर, माई ग्रैंड मदर, बोथ ऑफ देम एज फॉर एज लॉन्ग एज दे लिव्ड हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल स्किन, एंड गॉड नोज के दे डिडंट डू एनीथिंग. एंड हियर आई एम पुटिंग 20,000 प्रोडक्ट्स, स्टिल होपिंग टू अचीव देयर स्किन, एंड आई एम नॉट इवन एनी वेयर क्लोज. लाइक माई नानी स्किन वॉज द बेस्ट, लाइक द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्किन एवर. शी वॉज ऑल्सो अ वेरी रिलीजियस पर्सन, सो आई थिंक उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है. एनी वेज, सो मैं क्या कह रही थी, आई वेंट अ लिटल ऑफ ट्रैक. सो योर एज इज नॉट अ स्किन टाइप, यू कैन हैव रिंकल्स एट एनी एज. अगर तो आपको रिंकल्स, डीप सेट रिंकल्स हो गए हैं, आपको बहुत सारे रिंकल्स हैं, देन व्हाट आई रियली रेकमेंड इज दैट यू यूज कॉपर पेप्टाइड्स इन द मॉर्निंग एंड यू यूज वट एवर अदर मल्टी पेप्टाइड एट नाइट. लेकिन लेट्स से यू आर बिटवीन 20 to 25, ठीक है, 20 to 25, 30, 35, अभी तक रिंकल्स की इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं शुरू हुई है, तो यू डोंट रियली नीड कॉपर पेप्टाइड. बिकॉज अंडरस्टैंड, कॉपर पेप्टाइड रिपेयर्स यू नो डैमेज, रिपेयर्स की अगर आपके स्किन पे डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करेगा ना. इट इज कैरिंग आउट एंजाइम्स दैट विल रिपेयर डैमेज. इट डबल्स अप एज एन एंटी ऑक्सीडेंट, बट व्हेन यू हैव द पावर ऑफ यूथ तो आपको इसकी जरूरत नहीं है. ये आपके डैमेज को प्रिवेंट नहीं करेगा. कॉपर पेप्टाइड प्रिवेंटिव नहीं है, करेक्टिव है. योर मल्टी पेप्टाइड्स आर प्रिवेंटिव, सो वो आप अपने 20s में भी शुरू कर सकते हो. स्टार्ट विद द मल्टी पेप्टाइड सेरम इफ यू वॉन्ट टू. 30s में भी यूज कर सकते हो. कॉपर पेप्टाइड्स आई वुड से After 35, after 45, at whatever point you feel के अब इसकी ज़रूरत है, and शीशा देखोगे आपको पता चल जाएगा, then you can use this. Otherwise, you can delay the use of copper peptide until you don't need it. Because जब repair करने के लिए कुछ है ही नहीं तो copper peptide क्या करेगा? Video अच्छी लगी, useful लगी, do consider liking the video and subscribing to my channel. I will meet you next time with another informative video. और क्या क्या देखना चाहते हो, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बैच शूटिंग, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.